गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज की कक्षा में हम लोग सिलेबस पर बात करेंगे जो नवंबर महीने में आप लोगों का टर्म वन हाफ ईयरली का असेसमेंट होने वाला है। आज हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं सिलेबस की कि कौन कौन से पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोग को लिखा दे रहा हूँ, पाठों के नाम लिखा दे रहा हूँ, उन पाठों से ही जो हमारा नवंबर में असेसमेंट होगा हाफ ईयरली टर्म वन का, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन पाठों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए लिख लीजिए। आरोह, भाग एक, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग एक, उससे उसमें जो पाठ हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, नमक का दारोगा, नमक का दारोगा मियां, नसीरुद्दीन, मियां नसीरुद्दीन, गलता लोहा, गलता लोहा, कबीर के पद, मीरा के पद, मैंने यहाँ कबीर लिखा है, कबीर के पद और मीरा के पद, जो दो दो पद आप लोग को पढ़ने हैं वे, और वे आँखें, वे आंखें, ये सारे पाठ पढ़ाए जा चुके हैं, प्रश्नोत्तरों की चर्चा हो चुकी है। आप लोगों को सारे पाठ स्वयं से फिर पढ़ लेने होंगे, क्योंकि सारे जो प्रश्न होंगे एमसीक्यू होंगे। तो अगर आप पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो उसके भीतर से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों को उत्तर देने में तब परेशानी होगी। तो पाठ को 3-4 बार करके आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, ताकि पूरा पाठ आपको अच्छे से याद हो जाए। इसके साथ साथ आप लोग स्वयं से भी बहुविकल्पीय प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न ढूंढ ढूंढ कर तैयार कीजिएगा और ई पोर्टल पर अपलोड कर दीजिएगा, मैं चेक कर दूँगा। तो ये आरोह भाग एक से जिन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे वे हैं, नमक का दारोगा, मियां नसीरुद्दीन, गलता लोहा, कबीर के पद, मीरा के पद, वे आँखें। ये आरोह भाग एक से सिलेबस है। अब जो हमारा अगला अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक जो है वितान, भाग एक, जो वितान भाग एक से, उससे कौन कौन से पाठ आएंगे, भारतीय गाय गायिकाओं, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, लता मंगेशकर,
भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। उसके बाद होगा अगला पाठ राजस्थान की रजत बूंदे। तो वितान से जो अध्याय आप लोग को पूछे जाएंगे, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत बूंदे, ये दोनों ही पाठ पढ़ाए जा चुके हैं, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा अगला व्याकरण से कौन कौन से पाठ पूछे जाएंगे वह भी लिख लेते हैं। व्याकरण से जो पूछे जाएंगे वह है जनसंचार, माध्यम, जनसंचार, शब्दावली, जनसंचार शब्दावली, उसके बाद अपठित, गद्यांश, और अपठित पद्यांश। तो व्याकरण से जिन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे वे कौन कौन है? जनसंचार माध्यम, जनसंचार शब्दावली, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। इन पाठों से व्याकरण के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की कक्षा में मैंने आप लोगों को जो नवंबर में हमारा टर्म वन हाफ ईयरली का जो असेसमेंट होने वाला है उसका सिलेबस मैंने लिखा दिया। कोई भी समस्या होने पर आप लोग ई पोर्टल के माध्यम से मुझसे या सर से संपर्क कीजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। हाँ, व्याकरण से जो ये सारे अध्याय हैं मैं इसके क्वेश्चन प्रश्नोत्तर ई पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा, आप लोगों को वहाँ से सहायता मिल जाएगी। बाकी जो टेक्स्ट पार्ट है बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा की जा चुकी है, अब आप लोग को मैं एक काम दे रहा हूँ, जो जो मैंने पाठ बताए उन पाठों से आप लोग क्या करिएगा, प्रश्नोत्तर तैयार करिएगा बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय, और तैयार करके आप लोग उसको ई पोर्टल पर अपलोड कर दीजिएगा। और भी कोई आप लोग को सिलेबस से कोई समस्या हो तो अवश्य कहिएगा। ये सारे पाठ पढ़ाए जा चुके हैं, जो पाठ पढ़ाए जा चुके हैं केवल उसी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जो पाठ नहीं पढ़ाए गए हैं उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और आप लोग को पता ही है सारे पाठ पढ़ाए जा चुके हैं, सिलेबस हमारा पूर्णतः कंप्लीट है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और आगे जो हमारा पाठ है। हाँ, एक विशेष बात, कल की कक्षा में मैं आप लोगों से जो हमारा परियोजना कार्य है, जो मैंने प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, उस पर कल मैं बात करूँगा। मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को परियोजना कार्य दे दिया था, कल की कक्षा में मैं बताऊँगा कि कब आप लोग को ये हमारा जो प्रोजेक्ट है परियोजना है जमा देना है, कैसे जमा देना है। तो कल की कक्षा आप लोग अवश्य देखिएगा। मिलते हैं कल की कक्षा में।